हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की कल की रणनीतियों के ऊपर बातचीत करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या निफ्टी के बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, कौन से स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पर थे, कौन से स्टॉक्स हम आज रिकमेंड किए थे, कहां पर प्रॉफिट हुआ, कहां पर लॉस हुआ, क्या थे हमारे मैजिकल फिगर, उन सब का ओवरव्यू करेंगे एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। बात करूंगा निफ्टी की। निफ्टी के आज बाजार को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। हंसी इसीलिए आ रही है कि रोज लग रहा है कि तू अभी इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ, अभी तक नहीं लग रहा था टूटेगा, इस हफ्ते लग रहा है कब टूटे कब टूटे कब टूटे, और वो लाइफ टाइम हाई पे जा जा के क्लोज होते जा रहा है। खैर, मंदी करने वालों को मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करने की सख्त जरूरत है अभी। चलिए बात करता हूँ निफ्टी की। निफ्टी 14320 का सपोर्ट लेवल लिया था, 14555 का पहला रेजिस्टेंस था, 14610 का दूसरा रेजिस्टेंस था, आज का मैजिकल फिगर था 14200 का। आज का हाई पोस्ट हुआ है 14624, आज का रेजिस्टेंस लिया था 14610 का, 14 पॉइंट के आसपास ऊपर गया और हाई क्रिएट किया, वापस से इसकी क्लोजिंग हुई है 14599, यानी कि सेकंड रेजिस्टेंस के आसपास आके झूलता हुआ दिखा बाजार। कल के लिए इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 14365 दूसरा सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस 14655 और 14800। ओवरऑल मुझे 14800 की तेजी कम दिख रही है। हो सकता है ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे लोग कि कहाँ रुकेगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से कम रेजिस्टेंस लेवल पता चल जाते हैं और वो रेजिस्टेंस तक रोज जा रहा है बाजार। 800 के ऊपर मुझे तेजी कम नजर आ रही है, अगर कोई एक्सटेंडेड रैली आती है तो 800 तक मैक्सिमम आ सकती है। कल के लिए इसका मैजिकल फिगर होगा 14200 का, पहला रेजिस्टेंस 14655, दूसरा रेजिस्टेंस 14800। अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट किया था 31750, आज का लो पोस्ट हुआ 31810 का, रेजिस्टेंस लेवल लिया था 32200 और दूसरा रेजिस्टेंस लिया था 32786 का, आज का हाई पोस्ट हुआ है 32508, क्लोजिंग आई है 32455 की। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करने से पहले एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बात कर लूं। बैंक निफ्टी को दो दिनों से कंटिन्यूस मंदी में ट्रेड करा रहे थे, यानी एज पर हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं और जो हमारा ओवरव्यू होता है मार्केट के लिए। पहले बैंक निफ्टी के का कंधा यूज करके लोगों को निफ्टी में मंदी करवाई गई, अब बैंक निफ्टी का कंधा यूज करके निफ्टी की मंदी हल्की करवा देंगे ऐसा लग रहा है। कल के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 32350 और 32150, मैजिकल फिगर 31750, रेजिस्टेंस लेवल 32530, 32888, ये होगी हमारी बैंक निफ्टी की बातचीत। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक की। स्टॉक्स में कुछ भी होल्ड नहीं था, सारे कल भी सेल कॉल्स थे, आज भी सेल कॉल्स थे। सेल कॉल्स होते हैं तो आपके इंट्राडे होते हैं, क्योंकि आप इक्विटीज को सेल करके होल्ड नहीं कर सकते अनलेस आपके पास कोई डिलीवरी हो। जो भी बातचीत मैं इंडेक्स की करता हूँ वो करंट मंथ फ्यूचर एक्सपायरी की होती है, जिस तरह से बात अभी मैं 28 जनवरी 2021 के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और जो स्टॉक्स की बात करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ NSE इक्विटीज की बातचीत होती है। बात करता हूँ आज के लिए कौन से स्टॉक्स हमने रणनीति बनाई थी। टाटा मोटर्स को सेल करना था 226 के आसपास, 228.60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 213.70 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 224.10 का इसने लो पोस्ट किया है और आज हायर साइड में तो हद ही कर दी, 252.40 का इसने हाई पोस्ट किया है, 237.80 के आसपास की क्लोजिंग आई है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हैं तो ये अपनी चादर के बाहर ट्रेड करा रहा है, वो टेक्निकल जो समझते हैं जानते हैं वो देख के समझ जाएंगे, एकदम अपनी चादर के बाहर ट्रेड करा रहा था, ओवरबॉट टेरिटरी में है। इनफैक्ट मैंने पब्लिक टेलीग्राम चैनल के थ्रू इसको बिकवाली की भी राय दी थी 252-253 के आसपास, हालांकि वो भाव एक बार ही लगा पाया, दूसरी बार वहां तक नहीं गया, लेकिन इसने टारगेट अचीव कर दिए। परफॉर्मेंस शीट में कहीं इसकी कहीं रिकॉर्ड नहीं किया है, ना प्रॉफिट का ना स्टॉप लॉस का एंट्री लिया जो वीडियो के थ्रू दिया था। दूसरा कॉल लिया था रिलायंस इंडस्ट्री, 1919 के आसपास सेल करना था, 1928 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 1960 का इसने भी हाई पोस्ट किया है,
1899 का इसने लो पोस्ट किया, अपन टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 1883 के, आज की क्लोजिंग आई 1957 के आसपास की। ओवरऑल इसमें भी लॉस हुआ है, तो टोटल अगर बात करी जाए लॉस की तो रिलायंस इंडस्ट्री में आज लॉस हुआ है 0.47% का और टाटा मोटर्स में लॉस हुआ है हमको 0.79% का, यानी कि दोनों का अगर देखें तो 0.25% के आसपास हमने लॉस बुक किया है। तीसरा कॉल लिया था हमने SBI बैंक, 284 के आसपास सेल करना था, 277 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 285-55 के स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, आज का लो पोस्ट किया है 277-90। अपने कुछ रूल्स हैं, अगर बाजार अपने टारगेट पे खुल जाए, स्टॉप लॉस पे खुल जाए तो हम उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, और अगर गैप डाउन गैप अप ओपनिंग हो जाए यानी रेंज के बाहर खुल जाए तो भी हम उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते। 277-90 का इसने सुबह सुबह ही लो पोस्ट कर दिया था। आप लोगों से मुझे सजेशन चाहिए कि इसको परफॉर्मेंस शीट में एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर नहीं लेना चाहिए तो कृपया करके कमेंट में बताइए, उस हिसाब से मैं परफॉर्मेंस शीट में इसका लॉस का एंट्री लूँ या फिर इसकी कोई एंट्री ना लूँ। थोड़ा सा वीक खराब चल रहा है, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आगे बने रहिए, जजमेंटल मत होइएगा हफ्ता 10 दिन के पीछे, पूरे साल भर की वीडियो का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो सारी देखिए, अगर प्रॉफिट कराया है तो उसकी भी बात की है, लॉस कराया है उसकी भी बात की है, अच्छा कर रहे हैं उसकी भी बात की है, बुरा कर रहे हैं तो उसकी भी बात कर रहे हैं। चौथा स्टॉक लिया था सन फार्मा को 639 के आसपास सेल करना था, 637 के आसपास इसका हाई पोस्ट हुआ है, 623.90 का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, ना ही इसको कहीं परफॉर्मेंस शीट में रिकॉर्ड किया है। अब बात करता हूँ कल के लिए कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, कल होगी 13 तारीख, 13 जनवरी 2021 की रणनीति। रिलायंस इंडस्ट्री को सेल करेंगे 1970 के आसपास, 1991 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1936 के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा स्टॉक होगा हमारा आईटीसी को सेल करेंगे 209-210 के आसपास, 21-210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 204 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तीसरा स्टॉक होगा हमारा एशियन पेंट को सेल करेंगे 2725-2768 के आसपास, 2796 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 2645 के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। चौथा स्टॉक होगा हमारा बजाज फाइनेंस को सेल करेंगे 5055-5070 के आसपास, 5116 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 4930 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ये होंगे हमारे कल के लिए 4 स्टॉक्स। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस एकदम सरल भाषा में, छोटे से कंटेंट में, पूरा गागर में सागर भरे हुए कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी बहुत सारी सोशल मीडिया की लिंक होती हैं, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी बातचीत मैं वीडियो में करता हूँ उससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट्स निकल के आती हैं तो मैं वहाँ पर जरूर अपडेट करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म होते हैं, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पा सकते हैं बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। उसके लिए आपको इंटेलिसिस के कस्टमर केयर में फोन करके संपर्क करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।